खान साहब थे, वो एक पनवाड़ी की दुकान में रोज पान खाने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसकी दुकान में एक तस्वीर देखी जिसमें छोटे से बालक की छवि थी। वो खान साहब उस बालक की तस्वीर देखकर पनवाड़ी से कहते हैं कि बालक तो बहुत ही सुंदर है, इसके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तन पे पीतांबर और पांव में पैजनिया कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन बस एक ही कमी है कि ये जिस जमीन पर खड़ा है वो खुरदरी है और इसके पांव में जूते भी नहीं हैं। ये खुरदरी जमीन इस नन्हे पांव में चुभती होगी। ये बात सुनकर पनवाड़ी ने उससे कह दिया कि तो तुम ही ले आओ इसके जूते और उसे पहना दो। बात खान साहब को लग गई। दूसरे दिन ही वो उस बालक के नन्हे पांव के लिए जूते बनवाकर पनवाड़ी के दुकान पर पहुंच गया और पनवाड़ी से कहा कि देखो, मैं इस बालक के लिए जूते ले आया हूँ, उसे बुला लो, मैं उसे पहना दूंगा। पनवाड़ी ने कहा, अरे ये बालक तो यहाँ नहीं रहता है, ये तो वृंदावन में रहता है, वृंदावन में। खान साहब कहते हैं, वृंदावन में? वो कहता है, हाँ ये तो वृंदावन में रहते हैं। तो खान साहब कहते हैं, चलो वृंदावन में ही पहना देंगे, लेकिन जरा उसका नाम और पता तो बता दो। तो पनवाड़ी कहता है कि खान साहब, वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लेना कि श्याम कहाँ रहता है, तो सभी बता देंगे। अब वो खान साहब वृंदावन पहुंच जाते हैं और हाथों में पादुका लेकर किस तरह से श्याम को ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ श्याम के नाम से उस बालक को कोई जानता नहीं था और वो कई दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर एक सज्जन व्यक्ति जो उनको कई दिनों से देख रहा था और अपने पास बुलाकर पूछता है कि अरे भाई, तुम किस श्याम को ढूंढ रहे हो, उसका हुलिया मुझे भी तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो खान साहब श्याम के रूप का वर्णन करते हैं, सुनिएगा। श्याम की जो छवि खान साहब उस सज्जन को बताते हैं, उसे सुनकर वो सज्जन को पता चल जाता है कि ये खान साहब किसे ढूंढ रहे हैं और वो उसे समझाते हैं। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है माँ के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है माँ के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता।
सुनकर और उससे पता जानकर वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच जाते हैं और ज्यों ही मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार पर जाने लगते हैं, वहीं खड़ा पुजारी उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम अन्य जाति के हो, इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो खान साहब उस पुजारी से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वह पुजारी उस खान साहब को आज्ञा नहीं देते हैं और खान साहब को मजबूरी वश क्या करना पड़ता है, सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा संदेश है। इंसान जब तक अपने मद में खोया रहता है, जब तक इधर उधर देखता रहता है, भगवान उसे नजर नहीं आते हैं। जब तक उसका शीश नहीं झुकता है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती है। यहाँ पर जैसे ही खान साहब शीश झुकाकर नीचे की ओर देखते हैं, तो वह बालक नजर आ जाता है और खान साहब खुशी से फूले नहीं समाते हैं और कैसे उस बालक पर अपना प्रेम लुटाते हैं। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, पहनाने को पांव जैसे ही उठाया,
नन्हे नन्हे पांव कांटे चुभ चुभ कर छलनी हो जाते हैं, जिसे देखकर खान साहब का हृदय रोने लगता है और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि तस्वीर देखकर मुझे जिस बात का डर था वही हो गया है। ये खुरदरी जमीन पर चलकर आया है जहां फूलों में कांटे पड़े होंगे, जिससे इसके पांव घायल हो गए हैं। और उस नन्हे बालक से खान साहब रोते रोते कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब वो नन्हा बालक उस खान साहब की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर ले जाता है और बांके बिहारी की मूरत की तरफ इशारा करके कहता है कि बोलो खान भाई बोलो, अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लेता तो तुम क्या मुझे पहचान पाते? क्या तुमने यही मूरत अपने दिल में मेरे लिए बसाई थी? क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते ना, इसलिए ही छवि जैसी तू मेरी बसा now and press the bell icon.